इज्जत अंकल, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। बहुत शुक्रिया मीने बेटी, शुक्रिया। आपकी मायूसी की वजह समझती हूँ, लेकिन आप अली को भी जानते हैं कि वो ऐसा लड़का नहीं है और वो आपको तो कभी दुख दे ही नहीं सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर वो चला गया। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना वो एन शादी के मौके पर क्यों जाता? और आप तो जानते हैं वो मुझसे कितना प्यार करता था, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। शायद कुछ बुरा हो गया होगा, या शायद वो भी हमें ढूंढ रहा होगा। हो सकता है। ओह, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तुम भी बैठ जाओ। मेरी जान, क्या तुम मेरे लिए भी कॉफी ले आओगी? जी ले आती हूँ। देखो तो, दोनों कैसे ख्यालों में गुम है। रेस्टोरेंट में कोई चोर भी आ जाए तो खबर नहीं होगी तुम दोनों को। भाभी, वो बस हम काम में मसरूफ थे जरा। अली, चीफदित ने कॉल की थी मुझे, वहाँ टैक्स ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी उनको। क्या तुम जाकर मार्केट से थोड़ा दूध ले आओगे? ठीक है, मैं ले आऊंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन जहाँ से लेते हैं वहाँ से नहीं, ताज़ा दूध लाने को कहा है उन्होंने। मगर जब करीब से मिल सकता है तो दूर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वहाँ सेल लगी है और हर चीज ताज़ा मिल जाती है। हमें पैसे बचाने हैं, वैसे भी चीजें सस्ती मिल जाएंगी तो अच्छा ही होगा ना। ठीक है ज़ुमरुद, तुम मुझे एड्रेस लिख के दे दो वहाँ का, मैं ले आऊंगा, कोई मसला नहीं है। एड्रेस, यहाँ से बस में जाना होगा तुम्हें। ठीक है, शुक्रिया। तुम हमेशा यहीं होती हो, है ना? जी बिल्कुल, क्यों? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मैं फिर कचरा फेंक कर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ अम्मी। हाय हाय, सईद साहब के यहाँ गई थी, किराए का कॉन्ट्रैक्ट देकर आ रही हूँ। वहाँ वो पागल लड़की थी, उसे देकर आई हूँ। प्लीज अम्मी, आप उसके बारे में ऐसा मत कहा करें। पता है वो लड़की अली के साथ थी, एक दूसरे से बात कर रहे थे और बहुत करीब थे दोनों। ज़ुमरुद का चेहरा देखने वाला था, बस बातें ही घुमाई जा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन भूल जाओ उन्हें। हारून, जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हें जाके उस लड़की सलमा से मिल लेना चाहिए। जरा गौर से उसे देखना और जानने की कोशिश करना, ठीक है? अभी मैं मना कर चुका हूँ, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं आखिर? जी बोलिए जवीरी आपा। हारून बात सुनो, फौरन रेस्टोरेंट पहुंचो, ठीक है? आता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे काम है, ट्रक आने वाला है, उसके बाद आता हूँ। ज़ुमरुद है वहाँ? ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने सुन लिया ज़ुमरुद थी। बात सुनो, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो। अरे अम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। आप अभी जाएं, मुझे बहुत सारा काम है। चलिए, मैं सब देख लूंगा।
ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी ट्रक कहाँ रह गया? घोड़े बहुत खूबसूरत होते हैं बरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पसंद आए तुम्हें? बहुत। खास तौर पे वो स्टॉर्म घोड़ा, मैं किसी दिन उस पर बैठूंगा। वो भी थोड़ा बीमार है, जब ठीक हो जाएगा तो जरूर। लेकिन क्या हुआ उसे? इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे गोली नहीं मार सकते। उसकी टांग में चोट लगी हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगा। देख लिए तुमने सारे घोड़े? जी, सभी बहुत खूबसूरत है। ये तो अच्छी बात है। अब चलो और जल्दी से चलकर अपने हाथ धो लो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं दिलानापा। पसंद आया तुम्हें? चाहो तो सिखा भी सकती हूँ तुम्हें। हाँ जरूर। इसको कहते हैं दिलान स्टाइल। आपका अपना नाम? बिल्कुल, मेरी बहन ने इसे ये नाम दिया था। जैसे मैं तुम्हारे बाल बना रही हूँ, ऐसे ही मैं उसके बाल बनाती थी। तो अब क्यों नहीं बनाती उनके बाल? क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ओ, आपको पता है मैं भी अपनी बहन को नहीं देख सकती। याद आती होगी ना तुम्हें? जी हाँ। अपने प्यारों को अपने दिल में ही रखता है, और तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, ताकि तुम जहां भी जाओ वो तुम्हारे दिल में तुम्हारे साथ जाएं। इस तरह से उनसे दूर होने का एहसास कम हो जाता है। क्या वाकई में? फिर तो मैं आपको अपने दिल में रखूंगी और हर जगह साथ लेकर जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, मैं भी। बाबा और जिहान आ गए।